अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको 15 मई। देखो जी, हम तो कह रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शन हासिल होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आइन का तकाजा है कि 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए। तो आइन का एहतराम और अदलिया का एहतराम का तकाजा यही है कि 14 मई को इलेक्शन हो। लेकिन ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और ये लोग की कोशिश है कि खराब आइन की खिलाफ वर्जी हो, खास सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हो, लेकिन इलेक्शन से हम बच जाए। जिनको टिकट नहीं मिले वो आजाद लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा जी ख्याल पीटीआई के वर्करों में अब ये शौर आ चुका है कि वो एक विजन के साथ हैं। ठीक है, उम्मीदवार बनना हर वर्कर का हक है और एक एक हल्के में एक एक उम्मीदवार थे, लेकिन अब पाकिस्तान में तरीके साहब के कारकुनान भी अब इस बात को समझ चुके हैं कि जिसको इमरान खान ने टिकट देना है उसी के साथ देना है, और उम्मीदवार भी ये समझते हैं। एक दो हैं इधर लाहौर में, यानी कि मियां अब्जर इकबाल इस तरह। देखिए, कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ 99% यही होगा कि सब लोग पीटीआई के और बल्ले के साथ चलेंगे। आपके बेटे को भी मिला है टिकट? जी। क्या पोजीशन?